अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग, खैरियत से? मैं हूं ज़ुबैर फ़ारूकी। तो आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, जहां पे मौजूद है एक डैम जो कि डैम पार्क के नाम से जाना जाता है, और तो इसको मैं आज से डिस्कवर कर रहा हूं, तो चलें मेरे साथ। ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है जो कि डैम के साथ मौजूद है। इस पार्क को इन्फिनिटी पार्क भी कहा जाता है और ये प्रेसिडेंट 22 पे मौजूद है। और अब हम यहाँ से हम टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे और M9 ज्वाइन करेंगे। अब हम बहरिया टाउन से काफ़ी नियरेस्ट हैं, क्योंकि हमने M9 मोटरवे लिया है तो, और M9 मोटरवे से टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा की कुछ ही देर बाद जो है आपको बहरिया टाउन नज़र आना शुरू जाता है। ये बहरिया टाउन नज़दीक है हमारे। और अब हम जो हैं वो एंट्री कर रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर और एंटर हो चुके हैं। अब हम मेन गेट में एंटर हो रहे हैं। जैसे अपन एंटर होते हैं तो सामने आपको तौहीद स्क्वायर नज़र आता है। तौहीद स्क्वायर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी रवानगी अब जो है मेन जिन्ना एवेन्यू की तरफ है। ये मेन जिन्ना एवेन्यू है, और मेन जिन्ना एवेन्यू से आप चाहें तो सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट पे जाएंगे क्योंकि हमें नमाज भी पढ़नी है। अब हम प्रीसेंट 2 की मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे असर की, और देन हम दोबारा निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। अब हम आए डेलिकेसी बेकरी की तरफ। यहाँ से कुछ हम स्नैक्स लेंगे। इनकी तमाम चीज़ें बहुत ही ज़रा फ्रेश होती हैं। तो हम अब जा रहे हैं बेकरी की तरफ। अब हम डेलिकेसी बेकरी में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, बहुत ही मज़े की चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। इनके पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, समोसे, इनकी तमाम जितने भी आइटम्स हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप जब भी आएँ फैमिली के साथ लाजमी यहाँ पे ट्राई करें। और अब हम जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। भाई कराची के रोड्स में तो आप लोग, जैसे कि आप लोग स्टक ट्रैफिक में हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं, लेकिन जब आप बहरिया टाउन आते हैं तो बहरिया टाउन के इतने बड़े बड़े रोड्स हैं, इतने वाइड रोड्स हैं कि आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने का मज़ा ही अलग है। और अब हम गुजर रहे हैं जिन्ना एवेन्यू से डायरेक्ट प्रेसिडेंट 22 के डैम की तरफ। सच में बहरिया टाउन में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि कराची के शोरगुल से निकल के आपको एक पीसफुल माहौल मिलता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। अब हम ग्रैंड जामा मॉस्क की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे ड्राइविंग करते हुए मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और साथ में ये मॉस्क भी नज़र आ रही है मुझे जो कि नियरेस्ट है। तो ये मॉस्क अभी ज़ेर तामीर है और बहुत जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है। ये बहरिया की सबसे बड़ी मॉस्क है। कोशिश कीजिएगा कि बहरिया में एंटर होने के बाद PSO के पंप से आप जो है टावर के सामने जो PSO पंप है वहाँ से अपना फ्यूल जो है आप रिफ़िल करवा लें, क्योंकि मेन गेट से लेके और इस डैम तक का रास्ता जो है वो 13 किलोमीटर है। और अब हम जो है मरी हिल व्यू की तरफ आ चुके हैं। मरी हिल व्यू पे आपको जो सामने विलास नज़र आ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ पे है। 11A और 11B का इलाका है, प्रेसेंट्स हैं जो कि बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब हम मरी हिल व्यू से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही खूबसूरत मंजर नज़र आते रहते हैं। ये प्रेसिडेंट 11A के विलास हैं जो कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे मेरी गाड़ी नीचे जा रही है मैं व्यू को उतना ही एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी आए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए। ले जी, अब हम पहुंच चुके हैं प्रीसेंट 22 के डैम के पार्क की तरफ। यहाँ पे इस टाइम सनसेट का व्यू है जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही हम प्रीसेंट 22 पे पहुँचते हैं तो एक हमें शाम का एक खूबसूरत मंजर नज़र आता है। ये डैम, साथ में ये पार्क, और ये पार्क डैम प्रीसेंट 22 का एक अलग ही सुकून देता है। ये देखिए शाम का सूरज डूब रहा है और कितना खूबसूरत मंजर है। एक अलग ही खामोशी है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कराची में मौजूद हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आ गया हूँ और वहाँ का एक मज़ा ले रहा हूँ, एक फ़्रेश हवा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये पार्क, ये व्यू और ये नज़ारे बहुत ही हसीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएंगे। ये इलाका जो है, ये एरिया जो है प्रीसेंट 22 में, आपको इसमें गूगल की जो लोकेशन है वो आपसे मैं शेयर करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा और यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। एक और बात कि ये काफ़ी अंदर की तरफ है ये पॉइंट, तो इस वजह से अपने गूगल मैप को ओपन रखिएगा। गूगल मैप ओपन रहेगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ये यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप दिया हुआ है। अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आप बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहरिया की जो मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है, उसे परमिशन लेनी होती है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे बारबेक्यू अरेंजमेंट करके अपना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है तो यहाँ का शहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और हम यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ के एटमॉस्फेयर से, यहाँ के डैम से, यहाँ की फ्रेशनेस से, आबो हवा से बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट मेरा पसंद आया होगा जो मैंने डिस्कवर किया है। आप आएँ अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय करें। मेरी मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं, इस तरह की जो वीडियोस हैं, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।